हेलो दोस्तों, किशन टेक्निकल गुरु चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 8 केबल वाली पिन को आप कैसे RJ45 के अंदर दोस्तों इस पिन को कैसे बना पाओगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक कटर की ज़रूरत है दोस्तों, ओनली फोर। दोस्तों, अगर ये केबल टेस्टर मशीन आप लोगों के पास नहीं है, फिर भी आप दोस्तों इससे एक बार आप बना लिया तो दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इस केबल टेस्ट मशीन का काम है। दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपकी इसकी आपको ज़रूरत है, क्यों दोस्तों इसके द्वारा आप पिन को चेक कर सकते हो कि पिन हमारी सही बनी है या नहीं बनी है। तो दोस्तों, एक मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ पिन। तो उसके लिए दोस्तों हमें इस केबल को लेना है और इसको हमें यहाँ दिया हुआ है। देखो दोस्तों, मैं इसको पंच करूँगा तो ये यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ है हल्का सा, तो इसको यहाँ लेना है दोस्तों हल्का सा। इसको यहाँ करने के यहाँ इतना लेने के बाद में दोस्तों इस कटर को कुछ इस तरीके से घुमाना है, तो इस तरीके से टुकड़ा सा लगाना, नहीं तो अंदर के तार भी काट देगा। तो मैं यहाँ इसको हल्का हल्का घुमा रहा हूँ और घुमाने के वो दोस्तों इसके बाद में ये ऐसे इस तरीके से निकलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये तार इस साइड में कर लेना है और बीच वाले इसको इसमें दोस्तों आपको दो ब्लेड दिखाई देगी। तो दोस्तों, दूसरी वाली ब्लेड इसको यहाँ से कट करने के लिए आता है। तो यहाँ होने के बाद में दोस्तों आप लोगों को ये सारे तारों को एक एक करके अलग कर लेना है। सही कलर ले लो यहाँ, हर वही कलर दोस्तों आपको दूसरे साइड में होने चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपकी पिन सही नहीं बनेगी। तो यहाँ बराबर बराबर होने के बाद में दोस्तों इनको करना हल्का सा यहाँ और यहाँ कर देना इसको पंच, और ऐसे करने पर दोस्तों आप लोगों को दिखाई देंगे बराबर सारे। तो दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हो, ये पूरा आप लोगों को बराबर दिख रहा है। तो आपको ये पिन लेनी इस तरीके से और इस पिन के अंदर डाल देना है इस तरीके से इन वायरों को। तो दोस्तों, इस तरीके से दिखाई देगी। आप लोग देख पा रहे हो, मैं आगे से दिखा देता हूँ। यहाँ सारे तार आगे आने बहुत ज़रूरी है, अगर एक भी रह गया तो हमारे पिन में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पीछे से एक बार सॉकेट से इसको आगे तक पुश करना है। तो मैं यहाँ पुश कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ सारे तार आगे आ गए हैं, और आने के बाद में दोस्तों इसमें दिया होगा आपको 3। तो दोस्तों, हमें लेना है यहाँ 8P काम में। तो 8P के अंदर हमें डालना है दोस्तों इस तरीके से इस पिन को, और डालने के बाद में इसको करना है एक बार यहाँ पुश, तो पुश की आवाज़ आएगी हल्की सी। तो दोस्तों, इस तरीके से पुश होने के बाद में दोस्तों अब नहीं निकल पाएगी हमारी ये पिन। तो इस तरीके से कनेक्ट हो गई। अब दूसरी साइड ही दोस्तों हमें ये पिन ऐसे ही लगानी है। तो दोस्तों, इस वाली पिन को दोस्तों मैं इस तरीके से कट करके बना ली है। दोस्तों, इसको पंच करना बाकी है तो मैं इसको पंच कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ लगाना है इसको, और दोस्तों पंच करने से पहले यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, अगर इसमें से एक तार भी मिस हो गया तो दोस्तों हमारी पिन नहीं चल पाएगी। तो इसको मैं करता हूँ पुश। तो आप लोगों ने देखा हल्का सा इसमें साउंड आएगा दोस्तों पुश का। तो ये आने के बाद में दोस्तों इस तरीके से दोनों पिन बन गई है। तो दोस्तों, इस मशीन में चेक करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक पिन को इस तरीके से, इसको लगाते हैं इस साइड में। तो दोस्तों, अब करते हैं इसको ऑन। तो इसको ऑन करते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों एकदम सही दिखा रहा है, सही है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें एक यहाँ रुक जाती और दूसरी चलती तो दोस्तों इसमें गड़बड़ती। तो इसको एक बार बंद करके फिर चालू करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों, हमारी ये केबल एकदम सही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो दोनों के अंदर से बराबर लाइट है, 1 2 3 7 8
तो दोस्तों आपको सात ये सेवन नंबर वाली के अंदर कम लाइट दिखाई दे रही होगी दोस्तों, तो इसमें ये कारण है कि दोस्तों इसमें तो मीटर में ही कुछ प्रॉब्लम। तो दोस्तों आप लोग अगर मैं पास में ला के दिखाता हूँ तो इसमें हल्की सी दिखाई दे रही है दोस्तों। देखो अगर आप देखो दोस्तों ये हल्की सी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इससे मेरे इस टेस्ट ये केबल टेस्ट मीटर के अंदर ही दोस्तों प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इस सारे में एकदम एक साथ में आ रही है, तो दोस्तों मेरी ये पिन एकदम सही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी ये अनिवार्य के बॉक्स के लिए ये पिन इस तरीके से बना सकते हो दोस्तों। तो आप दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।